अभी हम खड़े हैं जापान या टोक्यो की सबसे ज़्यादा बिजी क्रॉसिंग पे। जी हाँ, कुछ टूरिस्ट स्पॉट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बहुत मेहनत करके खड़ा करना पड़ता है उन्हें, और बहुत सारी फिल्मों में उसकी जिक्र होती है या फिर उनको शूट किया जाता है। लेकिन अभी हम जहाँ खड़े हैं वो कुछ भी नहीं है, बस बहुत सारे लोग सड़क क्रॉस करते हैं। लेकिन इस चीज़ को देखने के लिए दुनिया देश के लोग आते हैं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बिजी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है। गैस कीजिए, लगभग 3000, जी हाँ 3000 लोग एक बार में सड़क क्रॉस करते हैं। देखिए आप ये नज़ारा। हर डायरेक्शन में गाड़ियाँ आ रही है जा रही है। लगभग 6 से 7 इस तरह से पेडेस्ट्रियन पाथ बने हुए हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है वो बनी हुई है, और कुछ सेकंड के लिए सारे डायरेक्शन की गाड़ियाँ थम जाती है और फिर लोग क्रॉस करने लगते हैं। तो यूजुअली आप देखोगे कि किसी भी चौराहे पे एक बार में एक ही आपका पाथ होता है जहाँ से लोग क्रॉस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हर डायरेक्शन से लोग क्रॉस करते हैं। और माहौल देखिए आप, इतना ज़्यादा चकाचौंध, LED स्क्रीन, बिल्कुल आपको वो टाइम स्क्वायर या मैनहट्टन टाइप की फीलिंग मिलती हुई एशिया में, टोक्यो में, जापान में। और ये सबसे अच्छा समय माना जाता है, लगभग शाम को 5 से 7 बजे के बीच जब लोग आना शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं, तो मेरे पीछे है जापान की टोक्यो की बहुत ही फेमस शिबुया क्रॉसिंग, और उससे भी ज़्यादा फेमस है यहाँ का स्टारबक्स। आई एम अ बिग टाइम स्टारबक्स फैन। और ठीक ऊपर आप देख सकते हैं कि इनका बहुत ही पॉपुलर आउटलेट है, अभी हाल ही कुछ सालों पहले खुला है और बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो चलिए ऊपर जा कर के देखते हैं कि क्या खास बात है स्टारबक्स में, क्या वहाँ का व्यू है, क्या वहाँ का मेन्यू है। चलिए, सिर्फ एंट्रेंस देखिए आप, कितना ज़्यादा खूबसूरत एंट्रेंस है। तो चलिए कुछ ऑर्डर करते हैं। यू हैव एनी स्टोर स्पेसिफिक ड्रिंक और फूड? एनी स्टोर स्पेसिफिक, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल। ओके, रोस्टरी अप नकम, नेक्स्ट स्टेशन। ओके, दिस इज नॉट रोस्टरी, ओके नो वरीज। मुझे लगा था कि ये रोस्टरी है, बट एक्चुअली ये रोस्टरी नहीं है। इट्स जस्ट व्यू, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो पूरा शिबुया क्रॉसिंग का व्यू है वो आपको यहाँ से नज़र आता है। अगर आप टोक्यो की स्टारबक्स रोस्टरी विज़िट करना चाहते हैं तो शायद आपको एक स्टेशन बाद जा कर के विज़िट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर शायद इतना स्पेस लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए रोस्टरी नहीं है। नॉर्मल स्टारबक्स कैफ़े है विथ अ वेरी गुड लोकेशन। तो चलिए वेट करते हैं, हमारा ऊपर हम बैठने की कोशिश करेंगे, वैसे बहुत मुश्किल है ऊपर सीट मिलना, और तब तक अपने ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं। तो देखिए, ड्रिंक हमने जो ऑर्डर करी है वो अपने हिंदुस्तान में भी मिलती है, लेकिन जो ये व्यू है ये शायद नहीं मिलता है। तो ये इन्होंने पूरा यहाँ पे सिटिंग विटिंग दे रखी है, एक बार कोई बैठ जाता है आदमी तो यहाँ से उठने का नाम नहीं लेता है। तो यहाँ बैठ के आप अपना आराम से ड्रिंक सिप कीजिए और व्यू का मज़ा लीजिए, लोगों को आते जाते हुए देखिए। देखिए कॉफ़ी तो इनका कुछ यूज़ू आइस टी है, यूज़ू यहाँ पे जापान में मिलने वाला एक नींबू जैसा कोई फ्रूट होता है, उसकी आइस टी है। एक हमने कोल्ड ब्रू लिया है, और बिल आया है आपका लगभग 1000 येन, यानी कि लगभग 600 रुपये के आसपास। तो दाम जो यहाँ स्टारबक्स का है वो शायद हिंदुस्तान में जितना है उतना ही या उससे थोड़ा कम है। आपके आप सरप्राइज़ होंगे ये जान करके, लेकिन विदेशों में शायद जो स्टारबक्स ड्रिंक की कॉस्ट होती है वो हिंदुस्तान से की बराबर या फिर उससे ज़्यादा होती है। एनीवेज, तो जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ का वो है ये, कि जो क्रेजी स्क्रैम्बल क्रॉसिंग है और उसके साथ आपकी ये जो ड्रिंक है, बस ये इसी चीज़ का मज़ा है। तो ये थी अगुजा एक्सप्रेस, दुनिया की सबसे ज़्यादा बिजी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे स्टारबक्स की कॉफ़ी सिप करते हुए। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और यूनिक स्टारबक्स विज़िट करें देश दुनिया के किसी कोने में, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा यूनिक स्टारबक्स आप
एक्सपीरियंस करना चाहेंगे हमारे साथ, और अगर आप इसी तरह की डिफरेंट एक्सपीरियंसेस देखना चाहते हैं तो यकूज़ा एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।